हेलो फ्रेंड्स, पैलाइस में आपका स्वागत है और आर्थिक शब्दावली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जीडीपी। जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। अर्थात जीडीपी में केवल अंतिम वस्तु एवं अंतिम सेवाओं को ही शामिल किया जाता है और उसी का मौद्रिक मूल्य जीडीपी में शामिल किया जाता है। आइए देखते हैं जीडीपी की विशेषता क्या क्या है। तो जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कहलाता है। यह किसी अर्थव्यवस्था की आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। यह अर्थव्यवस्था की उत्पादकता की मात्रा को अनुमान देता है। गुणात्मक के तत्व को ये दर्शा पाता है और इसमें 10 अवधारणा का प्रयोग तुलनात्मक अर्थशास्त्र में आर्थिक अध्ययन के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा जीडीपी। मिलते हैं कल एक और नए आर्थिक शब्दावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।